केंद्र सरकार द्वारा रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों हाथ में आपा वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा विरोध करवामां आव्यो हतो। यूनियन द्वारा सप्ताह अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतिओं ने उजागर करने प्रयास करवामां आव्यो हतो। अब रोड सहित देशभर में केन्द्र सरकार की 109 रूट 151 ट्रेन और 75 रेलवे स्टेशनों खानगी हाथों में आपवानी अने कर्मचारी विरोधी निर्णय लेवानो विरोध करवामां आव्यो हतो। तेवी ज रीते देश में पण सामंतवादी नीति अपनावी रेलवे ने प्राइवेट हाथों में आपवानो देशभरमां पूरजोश विरोध थई रह्यो छे। तेना भागरूपे आजे अबरोड वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियनना कार्यकरो अने नेताओ द्वारा टोर्च रेली काढीने विरोध व्यक्त करायो हतो। क्यों इतनी कमजोर नजर आ रही हैं और क्या कारण है कि सरकारें अपनी मंशाओं को पूरा करने में सक्षम नजर आ रही है? मेरे साथ यूनियन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के सचिव अनिल जी भट्ट मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है और क्यों प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे जनता को क्या फायदा होगा, कर्मचारियों के को किस तरह का नुकसान होगा, किस तरह का फायदा होगा और इस प्राइवेटाइजेशन से जनता की परेशानियां बढ़ेंगी क्या? आप बताएं क्या कारण है कि प्राइवेट किया जा रहा है, जनता को क्या फायदा होगा? जनता को बिल्कुल फायदा नहीं होगा, जनता को नुकसान होगा। आप भली बात ही जानते हैं कि 90% जनता मतलब मध्यम वर्गीय और गरीब लोग इस सबसे सस्ते रेल जो साधन है, सबसे सस्ता साधन है यात्रा का, उससे ही यात्रा करते हैं। इतनी आरामदायक इतनी सस्ती यात्रा कहीं नहीं मिलती हैगी और लगभग 90% लोग रेल से यात्रा करते हैंगे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में जब ये प्राइवेट लोग गाड़ियां चलाएंगे तो एक तो इसमें कर दिया है 35 साल तक मनमाना अपना किराया लेंगे, मनमाना इनको सरकार ने छूट दे दी है। इसके अलावा इनका एक ही उद्देश्य रहेगा कि मुझे पैसे कमाने को, ये व्यापारी है, पैसे कमाने के लिए आता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, इंग्लैंड की रेलवे को प्राइवेट किया गया था, आज स्थिति ये ठेकेदार ने बोला कि मुझे पैसे दो अगर रेल को और चलवाना है। आज फिर सरकार को उस रेल का वापस राष्ट्रीयकरण करना पड़ा, निजीकरण से सरकार। पोलैंड में रेलों का निजीकरण किया, 3 साल के अंतराल में ही वापस का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जो व्यापारी होता है उसका उद्देश्य, उसका कोई लगाव नहीं होता है एसएस से, उसका कोई लगाव नहीं होता है रेलवे से, उसका लगाव होता है क्या अर्निंग से, मुझे लाभ कमाना है। एक अब फिर कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात होगा, वो कर्मचारियों की छटनी करेगा, कम करेगा। आज एक रेलवे में जो दर्जा 4 का कर्मचारी है, चाहे सब पढ़े लिखे कर्मचारी आ रहे हैं, 40,000 रुपये तनख्वाह लेता है, वो बीटेक बी लोग उसको मिलेंगे, बेरोजगारी का इतना 10,000 रुपये में लोगों को रखेगा, हायर एंड फायर की नीति अपनाएगा वो। गवर्नमेंट 3% को भी ये यूनियन करोड़ रुपया मानती है, करोड़ रुपया जो इनको कमाई हो रही है उसके बावजूद भी रेलवे नुकसान बता करके प्राइवेट करने जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ में अहित है और इस अहित की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, यही यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है। निर्माण न्यूज के लिए आबू रोड से गोविंद कटारिया।